इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको आपकी पीसी में कुछ कॉपी करते हैं आप, ठीक है, यहाँ पर तो आपको इस तरीके से लिखा हुआ आता है यहाँ पर, जो अभी हमें देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर, यू नीड टू प्रोवाइड एडमिनिस्टर परमिशन टू कॉपी दिस फोल्डर। तो अब यहाँ पर लिखा हुआ क्या रहता है, देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो कि हम फोल्डर को एक्सेस कराते हैं, जो सॉफ्टवेयर वगैरह रहते हैं, और उनका मेमोरी कार्ड से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा USB स्टोरेज लगा रखे जो पर्सनल सॉफ्टवेयर रहते हैं या फिर रिसाइकल बिन के कुछ फोल्डर रहते हैं, इसके लिए हमें परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पर आप बोलते हैं एक्सेस डिनाइड, और ये अंदर से दी जाती है। अब जैसे यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं ना इसको, तो यहाँ पर एक अलग ही कैलकुलेटिंग का सा इस तरीके से वो आ जाएगा कि यहाँ पर रहता है मेक श्योर परमिशन एडमिनिस्टर टू मेक चेंज दिस फोल्डर। ऐसा होता है गाइस कि जैसे आपने OBB फोल्डर देखा होगा ना एंड्रॉयड में, तो सेम टू सेम यहाँ पर वर्क करता है, ठीक है। बाकी आप स्किप कर सकते हैं इसको, डू दिस ऑल करंट आइटम्स पर सेंड करके आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। हाँ, और इस पर मैं ओल्ड वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जिससे कि हम इसको इन फोल्डर्स को जो एक्सेस कर सकें, हम भेज सकें किसी भी डिवाइस के अंदर, तो उसमें भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सिर्फ आपको यहाँ पर करना क्या है, क्योंकि ऐसे सॉफ्टवेयर्स की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इसको स्किप कर दीजिएगा। स्किप करने के बाद जो भी डेटा होगा वो आपका चला जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी, छोटा सा प्रोसेस रहता है ये। बाकी अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।